फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। आई एम लता, आई एम योर मैथ गाइड। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर 1, शेप्स एंड स्पेस। उसमें फर्स्ट टॉपिक है इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड यानी कि जो चीज़ अंदर रखी हुई हो, और आउटसाइड यानी कि जो चीज़ बाहर पड़ी हो। जैसे कि आपके स्कूल बैग में बुक्स सारी बैग के अंदर पड़ी है तो बोलेंगे इनसाइड। अगर हम पढ़ने के लिए बाहर रखते हैं तो बोलेंगे आउटसाइड। द अरब एंड हिज कैमल। इट वॉज अ कोल्ड वॉटर विंटर डे। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक एट नाइट। द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। द कैमल वॉज आउटसाइड। मे आई पुट माई नेक इनसाइड? इट इज टू कॉल आउटसाइड। ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड? इट इज टू कॉल आउटसाइड। ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। कैन आई कम इनसाइड? इट इज टू कॉल आउटसाइड। ओ नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। उसके बाद आ रहा है बिगर एंड स्मॉलर। टेक द बिगर। इसमें दो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है हिप्पो एंड कैट। दोनों में से बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है? हिप्पो। हिप्पो इज बिगर एनिमल। नेक्स्ट, टेक द स्मॉलर। जो आपको लीफ दिखाई दे रहे हैं उसमें छोटा वाला, स्मॉलर यानी छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा है? छोटे वाले पे यानी कि स्मॉलर पे टिक करना है हमको। दो बॉय हैं जो टायर चला रहे हैं। दोनों में से स्मॉलर टायर किसका है? नेक्स्ट पॉइंट है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। यानी कि ज़्यादा जब चीज़ें पड़ी हो उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है तो उसको बोलेंगे बिगेस्ट। और स्मॉलेस्ट यानी जब दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पड़ी है और उसमें सबसे छोटा जो है उसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें तीन ट्री है, उसमें से स्मॉलेस्ट ट्री पे टिक करना है। स्मॉलेस्ट मतलब कि छोटे पे। उसके बाद टिक द बिगेस्ट एनिमल। यहाँ पे थ्री एनिमल्स है, उसमें जो बड़ा वाला एनिमल दिख रहा है हमको उसको बोलेंगे बिगेस्ट एनिमल। एलिफेंट इज बिगेस्ट एनिमल। उसके नीचे दिखाई दे रहे हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में सबसे छोटा, जैसे कि आपकी तरह आप स्कूल में फर्स्ट पे पढ़ते हो तो सबसे छोटे हो, सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, ये सब आपसे बड़े हैं। इसमें तीन फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, उसमें स्मॉलेस्ट पे टिक करना है हमको। नेक्स्ट, एक बॉय है जो बबल कर रहा है, आप करते हो ना। उसमें बड़ा वाला बबल दिख रहा है। हम जब बबल करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, तो ये बबल्स बनते हैं तभी आप देखना सबसे बड़ा बबल्स होता है, कितना मस्त लगता है। इसमें बड़े वाले बबल्स पे यानी कि बिगेस्ट पे टिक करना है हमको। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टॉप एंड बॉटम। टॉप यानी कि सबसे ऊपर जो बैठा होता है, बॉटम यानी नीचे। जैसे कि हम फोर्थ फ्लोर पे पढ़ते हैं तो हम टॉप में पढ़ते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होते हैं तो बोलेंगे बॉटम। जब हम ब्रेक में ग्राउंड फ्लोर पे ब्रेकफास्ट लेने जाते हैं तब हम बॉटम में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे थ्री बॉयज़ हैं आपकी तरह,
एक बॉय है जो ऊपर बैठा है, एक बॉय है जो चढ़ रहा है और एक बॉय है जो नीचे उतर गया है। तो जो ऊपर बैठा है उसे बोलेंगे टॉप, जो नीचे है उसे बोलेंगे बॉटम। वैसे ही एक ट्री है, उसके ऊपर एक बर्ड है, एक नीचे है, तो ऊपर जो है उसे टॉप बोलेंगे, जो नीचे है उसे बॉटम बोलेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद एक पोटर है जो पॉट बना रहा है, उसने तीन पॉट बना दिए हैं और ऐसे रख दिए हैं बना के। उसमें से हमको जो टॉप वाला है, टॉप यानी कि जो ऊपर पड़ा है, उसमें टिक करना है। नेक्स्ट है, टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स है वहाँ पे जो नीचे एनिमल है, यानी कि जो बॉटम है, बॉटम में खड़ा एनिमल है, उसमें टिक करना है हमको। नियरर एंड फार्दर। नियरर यानी कि जो पास में होता है, फार्दर यानी जो दूर होता है। आपके पास में अभी कौन खड़ा है, वो नियरर, और मैं आपसे दूर हूँ तो फार्दर हुआ। जैसे कि ये पिक्चर है, इसमें देखो एक हाउस है, उसके ऊपर एक बर्ड आ रहा है और थोड़े दूर दूसरा बर्ड आ रहा है। तो जो पहले वाला बर्ड आ रहा है, जो नज़दीक है उसके, तो उसको बोलेंगे नियरर। जो बहुत दूर दिखाई दे रहा है वो है फार्दरर। नेक्स्ट पिक्चर है एक ट्री का। ट्री के नीचे एक बैठा है, केट बैठा है। देखो केट है क्या है, तो वो जो दोनों हैं उसके फार्दरर कौन है। नीचे है जो पास में, ट्री के पास में है कि ट्री के दूर है, मैंने अभी बताया जो पास में होता है वो होता है नियरर, एंड जो दूर है वो है फार्दरर। तो जो दूर कैट दिखाई दे रही है उसे बोलेंगे फार्दरर, जो पास में होता है वो नियरर, और जो दूर होता है वो फार्दर। जैसे कि आपके पास में अभी टेक्स्ट बुक पड़ी है तो वो हुई नियरर, और आपके पास जो टीवी है वो दूर है तो वो हुआ फार्दरर। अभी नियरेस्ट एंड फार्देस्ट, यानी कि तीन चार चीज़ें पड़ी हो उसके नियर, यानी सबसे नज़दीक उसमें कौन सा है और सबसे दूर उसमें कौन सा है। जैसे कि ये बॉय गार्डन में जाना चाहता है, तो गार्डन में क्या होता है वो तो आपको पता ही है, स्विंग होता है यानी कि झूला होता है। झूले पे बैठना तो सबको अच्छा लगता है, पता है ना, आप जब गार्डन में जाते हो तो जल्दी से दौड़ के झूले के पास चले जाते हो, यानी कि स्विंग के पास चले जाते हो। तो ये बॉय है जल्दी से स्विंग के पास आ गया, तो उसको बोलेंगे नियरेस्ट। और एक गर्ल दिखाई दे रही है, वो दूर है, और दूसरी गर्ल दिखाई दे रही है, वो भी थोड़ी सी दूर है, पर थोड़ी सी दूर नहीं, ज़्यादा दूर है, उस पर टिक करेंगे, वो फार्देस्ट हुई। और सबसे नज़दीक है जो बॉय आ गया है दौड़ के, उसको बोलेंगे नियरेस्ट। टिक द पप्पी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे एक ट्री है और कितने सारे पप्पी है, चलो काउंट करते हैं कितने पप्पी हैं, 1 2 3 4। इसमें पूछा गया है हमको कि सबसे दूर वाला पप्पी कौन सा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला कि फोर्थ वाला, तो हम बोलेंगे फोर्थ वाला। अगर हम पूछें कि नियरेस्ट कौन है तो फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है ट्री के पिक्चर दिए गए हैं, कितने ट्री है चलो काउंट करते हैं, 1 2 एंड 3, 3 ट्री है। अभी इसमें पूछा गया है कि ये एक बर्ड भी दिखाई दे रहा है, बर्ड है वो कौन से ट्री के पास में है, नियरेस्ट है। तो पहला वाला ट्री है, दूसरा वाला है, थर्ड वाला ट्री है, तो जो थर्ड वाला है उसके पास में बर्ड दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे नियरेस्ट। उसके बाद आ रहा है ऑन, अंडर, अबाव एंड बिलो। ये तो बड़ा वाला मस्त वाला टॉपिक है। चलो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, देखो तो क्या है इसमें, ओ इसमें तो
एक टेबल है, उसके नीचे एक माउस दिखाई दे रहा है, एक बॉय है और एक गर्ल है और दूसरी भी गर्ल है, ये तो पूरा क्लास दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, एक बॉय है वो तो टेबल के ऊपर ही चढ़ गया है और दूसरा बॉय भी चढ़ गया है और एक छोटी सी स्टूल है उस पर एक गर्ल बैठी हुई है और एक बॉय तो टेबल के नीचे चला गया है। बड़ा मस्त पिक्चर है ये तो। टेबल के जो ऊपर दिखाई दे रहा है केट छोटा सा, वो है टेबल के ऊपर कोई भी चीज़ अगर पड़ी है तो उसको बोलेंगे ऑन द टेबल। अभी टेबल के नीचे एक माउस छोटा सा छिप गया है, उसको बोलेंगे अंडर द टेबल। और ऊपर एक फैन दिखाई दे रहा है, पूरे क्लास के ऊपर एक फैन दिखाई देता है, उसको बोलेंगे अबाउट द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है। फिर बिलो द फैन, नीचे देखो, उसके बाद एक पिक्चर है, देखो तो किसका है, वेल का है। एक गांव का पिक्चर दिखाई दे रहा है, वेल कुएं यानी कि पानी का कुआं होता है, वेल में से पानी खींच रहे हैं ये जो सारी लेडीज़ हैं वो पानी भर रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं और एक बैलगाड़ी दिख रही है। पूरा पिक्चर मस्त है, चलो फिर से देखते हैं, ठीक है। इसमें हाउस दिखाई दे रहे हैं, ट्री दिखाई दे रहे हैं, देखो तो, चलो तो जल्दी से। एक बैलगाड़ी जो उसमें सामान भरा हुआ है उसके ऊपर बॉय चढ़ गया है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा नियर है, कौन सा फार है, कौन सा टॉप है, कौन सा बॉटम है। चलो मैं पूछती हूँ कि ये जो वेल है उसके पास में जो लेडी है कौन सी लेडी है, वो कौन सी नियर है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली कि थर्ड वाली। तो आप बोलोगे मैडम ये तो इजी है, फर्स्ट वाली है वो नियर है और जो थर्ड वाली है वो फार है। चलो फिर मैं पूछती हूँ, चलो टॉप में कौन है और बॉटम में कौन है, चलो चलो जल्दी से बताइए, टॉप में कौन है और बॉटम में कौन है, चलो जल्दी से बोलो। अच्छा ठीक है,